यूट्यूबर फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 10 एंड आज है शनिवार। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। वो है हम जा रहे हैं हमारे नए घर पे एंड विद इन 1 to 2 months हम वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो वहां पे कुछ इंटीरियर के बारे में डिसाइड करना है, कुछ डिस्कशन वगैरह करना है, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, यस। एंड बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारा कुछ पैकिंग कर लिया है क्योंकि बेबी साथ जा रहा है, तो इसीलिए खाना, ड्रेसेस, उसके साथ पैम्पर्स, डायपर्स, ओ पैम्पर्स एंड डायपर्स एक ही चीज होता है बाय द वे, पैम्पर्स, डायपर्स एंड पॉलीथीन्स। मैंने उसके साथ एक बेडशीट, क्योंकि वहां पे अभी कुछ खटिया वटिया या फिर सोफा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमको वहां पे बिछा के थोड़ी देर के लिए बैठना पड़े। तो सभी चीजें मैं पैक कर लिया हूं एंड इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे, बाद में आके लंच करेंगे। एंड बेबी को मैं लंच करवा के लेके जा रही हूँ क्योंकि लंच अगर मैं वहां पे ले जाऊं तो बहुत ज्यादा गर्मी वो खराब हो सकता है, इसलिए मैं सरेलक लेके जा रही हूँ। वहां पे अगर उसको भूख लग जाएगी या फिर ज्यादा देर हो जाएगी तो उसको मैं खिला दूंगी। तो ये सारे आपको दिखा देती हूँ मैं, या अभी जो हालत है मेरे बेड का आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। सो ये देखिए मेरे बेड का हालत, ये मैं सारे बैग में पार्सल करने वाली हूँ। सो यही है, यही है, यही है। एंड अभी हम होंगे रेडी। तो बहुत गर्मी है, कुछ मेकअप वेकअप मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वहां पे गल जाएगा सब कुछ गल जाएगा, एकदम पिघल जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक क्रीम मॉइस्चराइजर एंड उसके साथ थोड़ा सा पाउडर पफ करूंगी एंड थोड़ा सा हल्का सा लिपस्टिक लगाऊंगी एंड निकल जाऊंगी। एक ब्यूटी ब्लॉगर होके मैं कैसे ऐसे अपने स्किन के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ? मैं इतनी ज्यादा रफ हो रही हूँ अपने स्किन के साथ, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, इसके बाद बेबी को रेडी करवाऊंगी। अगर बेबी को पहले मैं रेडी करवा दूंगी तो वो मुझे रेडी होने नहीं देगी क्योंकि उसको रेडी होके ही निकलना है, वो एक मिनट भी वेट नहीं करेगी। तो ये सब चीजें है। और एक बात आपको बताना चाहूंगी, वो है मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो भी अच्छा, अगर आप करोगे तो भी अच्छा, दोनों ही साइड पे मेरा ही जो है एडवांटेज होगा। वो है अगर आप करोगे तो मेरा सब्सक्राइब अकाउंट बढ़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो मेरा जो चीज है वो मेरे पास ही रहेगा। आई एम जोकिंग मम्मा मिया। सो मेरा बेस हो गया है फिनिश, उसके बाद मैं व्हाइट टोन पाउडर लूंगी एंड धड़ाधड़ करके मैं पफ कर दूंगी। ये बेबी का स्पंज है, मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मेरा जो ब्रशेस या फिर स्पंज वगैरह है उसको निकालूं। एंड बाय द वे इसे मैं अभी बेबी के लिए यूज नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। एंड आपने मेरी कॉमेडी वीडियो देखा ना, अच्छा लगा ना? तो मैं ट्राई करूंगी, उसका जो फीडबैक है बहुत अच्छा मिला, सभी मुझे बोल रहे हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा और कार्यवाही करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर थोड़ा सा और कार्यवाही करने के लिए। तो तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक मतलब मैं इस बीच में मैं कॉमेडी वीडियो नहीं डालूंगी, सिर्फ अपने व्लॉग्स वगैरह डालूंगी या फिर ब्यूटी रिलेटेड वीडियो डालूंगी। सो अभी हम निकल रहे हैं, अभी बज रहा है 10:30। बेबी को मैंने लंच करवा दिया है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अभी से मेरे बालों का हालत आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। बाहर जाके क्या होगा धूप में पता नहीं है। चलिए मिलते हैं रस्तों पे क्योंकि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय। কইনি পাগলা হ্যাঁ আপু তারপরে অফ করে দে ভিডিও অন
सो फाइनली हम आ गए हैं एंड ये है शोणा गांव प्रोजेक्ट जो कि जोका मेट्रो स्टेशन से 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे बंगलो प्रोजेक्ट हुआ है तो सभी जो है यहाँ पे इंडिविजुअल बंगलोज है एंड 2 BHK 4 BHK सब कुछ अवेलेबल है। आप चाहे तो इसमें अपना खुद का प्लॉट खरीद के आप बंगलो भी बना सकते हो, बहुत सारा ऐसा कुछ है। तो हमारा जो है ये है 2 BHK, ये आप देख सकते हो नीचे, आपको मैं दिखा देती हूँ। हर एक बंगलो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि हमारी है आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर एंड गेटअप जो है, आउटलुक, टोटल आउटलुक बहुत ही बढ़िया है। अब चलिए घर के अंदर घुसते हैं। यह जो है एंट्रेंस, इसमें आप शू रैक वगैरह रख सकते हो, लेकिन अगर कोई ले जाए तो हमारा कसूर नहीं है। तो यह है एंट्रेंस एंड एंट्रेंस में अब एंटर करते ही आपको लिविंग रूम मिल जाएगा। यहाँ पे हम सोफा सेट, कॉर्नर रैक, फ्लावर बस, सेंटर टेबल ऐसा कुछ रख सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो है, ये स्लाइडिंग डोर का है, ये बहुत ही खूबसूरत है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह हम रखेंगे, यहाँ पे डाइनिंग एरिया है एंड यहाँ पे जो है हम बाद में सोचेंगे यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एक बेड या फिर सोफ़ा काइंड ऑफ कुछ रखेंगे। एंड ये है क्या बोलते हैं किचन, ऑब्वियसली किचन में कुछ भी नहीं है अभी क्योंकि इसका ही सेल्फ वगैरह डिज़ाइन हमने चूज़ करने के लिए आज आए हैं। एंड इसके बाद यहाँ से निकल के ये है एक बाथरूम, आई मीन वॉशरूम। एंड इसके बाद आपको दिखाई देगा एक सीढ़ियाँ एंड इससे ऊपर जाने की, आई मीन बेडरूम में जाने की जो रास्ता है आपको मिल जाएगा। सो मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी हूँ एंड सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही हमें जो मिलेगा वो है और एक वॉशरूम। नीचे एक वॉशरूम है, ऊपर में एक वॉशरूम है तो किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये है वॉशरूम एक। एंड यहाँ से निकलने के बाद ये है एक बेडरूम, इसमें मेरे मम्मी जी पापा जी रहने वाले हैं। एंड इस रूम में भी बहुत ज़ोरों का हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एकदम भी गर्मी नहीं है, एकदम भी गर्मी नहीं है। तो यहाँ से निकलने के बाद हमारा बेडरूम है एंड इसमें भी डाइनिंग प्लेस की तरह एक बड़ा सा विंडो है, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद ये है बैल्कनी, मेरी फेवरेट प्लेस, मुझे हर किसी में बैल्कनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे बैल्कनी में बैठना। एंड इसके बाद बैल्कनी से निकलते ही आपको और एक सीढ़िया दिखाई देगी, तो इस पे है ऊपर पूजा रूम, जिसको हम ऐसा स्टोर रूम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मेरे सासू माँ पूजा करती है तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो नीचे से ऊपर आके पूजा करें, ऊपर से नीचे फिर वो वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए नीचे ही एक पूजा रूम के हम अरेंजमेंट कर लेंगे छोटे से। एंड या इसको हम एज अ स्टोर रूम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा इधर उधर का सामान है जिसको हम ऐसे रख सकते हैं। एंड ये है हमारा रूफ टॉप, छत, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बंगलो प्रोजेक्ट है तो आपको हाफ छत मिलेगा और हाफ जो है बंगलो के जो ऊपर होता है ये कॉर्नर वगैरह, तो ऐसा ही होता है। एंड यहाँ से आपको बहुत और भी ज़्यादा जो बंगलो प्रोजेक्ट है आपको यहाँ से दिखाई देगा। आप यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल बंगलोज है यहाँ पे। एंड ये एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे बंगलोज है, सभी इनमें रह रहे हैं, कुछ और भी अवेलेबल है। एंड ये है हमारी तरह बहुत सारे एक टाइप के बंगलो, एक रो पे सभी बंगलो जो है एक टाइप के होता है। आपको सामने जो बंगलो दिखाई दे रहा होगा पिंक कलर की, काइंड ऑफ पिंक एंड पर्पल के मिक्स में, वो जो बंगलो है वो भी 2 BHK है, लेकिन उसमें गार्डन स्पेस ज़्यादा नहीं है और भी पूजा रूम ऊपर में नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे बंगलोज इसमें अवेलेबल है, सामने ही दूर आप देख सकते। यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो है 3 BHK बंगलोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसका जो सामने का स्पेस है, गार्डन स्पेस, वो भी थोड़ा बहुत बड़ा है एंड बाउंड्री भी आपको मिल जाएगा। हमारे 2 BHK में भी थोड़ा सा बाउंड्री मिलेगा, लेकिन इसका जो बाउंड्री है और भी ज़्यादा बड़ा, एकदम प्रॉपर बाउंड्री होगा। आप इसके अंदर कार पार्किंग कर सकते हो, हमारे जैसे कॉमन एरिया में कार वगैरह रहेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क भी है, जो शाम के बच्चे के खेलने के लिए बनाया गया है एंड ब्यूटीफुल सा स्पेस है ये। एंड बच्चे यहाँ पे खेलेगा, झूला वगैरह भी है एंड मम्मीज लोग जो है यहाँ पे बैठकर गप्पे शप्पे मरेगा, तो ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है।
हम घर वापस आ गए हैं। अभी बज रहा है 5 PM, अभी भी आके ही सो गया है क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। हम लोग भी बहुत टायर्ड है, आपको आंख मेरी आंखें देख के पता चल ही गया होगा क्योंकि सारा जो दोपहर है ना हम इधर से उधर धूप में इधर से उधर करते 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 एंड 5 PM घर आके हम लंच किए हैं, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है। सो हमारा नया घर आपको कैसा लगा प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारा नया घर कैसे लगा, और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक टाटा बाय, लव यू।